अभिषेक कुमार ने एक बार फिर से ले लिया है आसिम रियाज से पंगा। जी हाँ, अभिषेक ने खतरों के खिलाड़ी में तो आसिम से खुला पंगा लिया ही था, लेकिन अब आसिम के शो छोड़ देने के बाद भी अभिषेक बाज नहीं आ रहे हैं। आसिम के कोई रिएक्शन ना आने के बाद भी अभिषेक को चैन नहीं है। एक तरफ जहां आसिम रियाज शांत बैठे हैं, तो वहीं अभिषेक कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी करने की पूरी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अब अभिषेक कुमार ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया है, ट्वीट टीआरपी को लेकर। वेल, ये तो आपको याद ही होगा कि आसिम रियाज ने कैसे कह दिया था कि खतरों के खिलाड़ी का जो भी बज है मेरी वजह से है। आसिम ने कहा था, दिस ऑल बज इज बिकॉज ऑफ मी ब्रो। आसिम ने कहा था कि ये शो आता और चला जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। वेल, आसिम के इस दावे के बाद अब अभिषेक कुमार टीआरपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब खतरों के खिलाड़ी टेलीविजन पर आ रहा है, तो इसी के चलते ही अभिषेक ने टीआरपी का जिक्र किया। अभिषेक ने ट्वीट किया, टीआरपी क्या आई, ओ बढ़ गई, ये तो होना ही था, जय माता दी। हैशटैग ब्लेस्ड, हैशटैग अभिषेक कुमार, हैशटैग KKK14। वेल, तो क्या अभिषेक को ये लगता है कि टीआरपी उनकी वजह से बड़ी है? अगर ऐसा है तो अभिषेक और आसिम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। आसिम ने डायरेक्टली कह दिया और अभिषेक इनडायरेक्टली क्रेडिट ले रहे हैं। बताते चले, ट्वीट पर फैंस के आ रहे हैं मिक्स्ड रिएक्शंस। आसिम के फैंस का कहना है कि ये फिट कर मानेगा, तो अभिषेक के फैंस का कहना है कि अभिषेक है ही हीरो। अब जाते जाते हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी एक कंटेस्टेंट की वजह से टीआरपी कभी नहीं आती। टीआरपी आती है कई सौ लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से जो कैमरे के पीछे एक शो के लिए काम करते हैं, क्रिएटिव टीम की वजह से, प्रोडक्शन टीम की वजह से, टेक्नीशियंस की वजह से। टीआरपी आती है राइटर्स की वजह से, शो के क्लीनिंग डिपार्टमेंट की वजह से, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की वजह से। टीआरपी आती है हर एक शख्स की वजह से जो शो में तिनका भर भी कंट्रीब्यूट करता है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।